मांडा में कल हुए बवाल की देश में गणेशोत्सव चल रहा है और देखिए आस्था और श्रद्धा के इस माहौल को कुछ शरारती अराजक तत्व लगातार बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। पिछले हफ्ते गुजरात के सूरत में बवाल हुआ था और कल कर्नाटक के मांडा में, तो कर्नाटक के मांडा के नागमंगला में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव के बाद भारी तनाव, पथराव के बाद हिंसा आगजनी हुई, तोड़फोड़ सब कुछ देखने को मिला और पुलिस ने 52 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। तो लोग थाने पर पहुंच गए। कल की घटना के खिलाफ आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नागमंगला इलाके में बंद का आह्वान किया है। ये सीसीटीवी भी सब कुछ आ गया था 11 सितंबर की वारदात, जहां पर आप हिंसा आगजनी तोड़फोड़ ये सब कुछ देखेंगे हिंसा में। और देखिए ये तस्वीरें सब कुछ अपने आप में कहानी कह रही हैं। गाड़ियां बाइक जो भी कुछ मिला वो उसको फूंक दिया गया। 11 सितंबर की घटना गणेश विसर्जन में लेकर किस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद से तनाव काफी बढ़ गया। इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ा पुलिस अधिकारियों को। ये तस्वीरें और अब तक 52 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। अब बेंगलुरु आप सभी को लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सगई राज के पास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सगई, ये तस्वीरें देश भर ने देखी, किस तरह से हिंसा तनाव है इस वक्त ये सब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन क्या है, बेंगलुरु पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इस हिंसा पर काबू पाने के लिए और जो आरोपी हैं उनसे निपटने के लिए? देखिए पुलिस सर्कमस्टांशियल एविडेंस और वीडियो फुटेज था उसके उसके एविडेंस के साथ 52 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है। केएसआरपी प्लाटून को भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है और जो भी अक्यूज जो अरेस्ट हो डिटेन हो चुके हैं उनका फैमिली मेंबर नागमंगला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनका आदमी वहां पे नहीं थे, मगर सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। मगर कल रात को जो वायलेंस हुआ था उसमें पता चल रहा कि पत्थरबाजी हुआ था और गाड़ी और दुकान को जला गया था। गवर्नमेंट इसके ऊपर कॉग्निशंस लिया हुआ है, केस रजिस्टर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी फिलहाल के लिए वहां अभी शांति है। बिल्कुल सही, आप जुड़े रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए जरा किस तरह से इस बाइक को बाहर ले जाकर बकायदे और आग के हवाले कर दिया जाता है। मांड्या कर्नाटक 11 सितंबर की ये तस्वीर, बहुत तोड़फोड़ बहुत नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश हुई है और इस मामले में 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से, जिनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन उसमें सैकड़ों की भूमिका है। किस तरह से जो मॉब एक तरह से उन्माद देखने को मिला, सड़कों पर उत्पात, आगजनी हुई, हिंसा, ये तनाव लगातार बना हुआ था और उस पर कर्नाटक पुलिस कर्नाटक सरकार की नजर थी, लेकिन इसके तहत 52 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और भी लोगों से पूछताछ चल रही है और भी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि देश भर के से कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, गुजरात से भी और मांड्या कर्नाटक से भी, क्योंकि गणेशोत्सव का अभी महीना चल रहा है, 10 दिन तक रहते हैं और खासकर मुंबई में, लेकिन इसका असर देखिए कर्नाटक मांड्या में। सगई राज हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जी सगई, और भी ज्यादा अपडेट करिए, अभी इस वक्त क्या हालात हैं ये भी बताइएगा, और ये जो 52 लोग हैं इसके अलावा भी पुलिस के निशाने पर और भी लोग होंगे, क्योंकि इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जो मॉब एक तरह से वो भी उन्माद देखने को मिला था सड़कों पर। हाँ, बहुत ज्यादा लाख लोग हैं। फिलहाल के लिए 52 लोगों को अभी अरेस्ट किया डिटेन किया गया है और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, और इस टाइम पे जब प्रोसेशन हो रहा था उसी टाइम पे बहुत लोगों के पास मोबाइल फुटेज भी है, जो भी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसका इस्तेमाल करके पुलिस आइडेंटिफाई कर रहा है कौन कौन इस वायलेंस में इन्वॉल्व हुआ था, कौन पत्थरबाजी किया था, कौन गाड़ी और दुकान को जलाया था, इनका एविडेंस लेके इनको डिटेन कर रहे हैं। देखिए कल जब गणपति का प्रोसेशन हो रहा था उसी टाइम पे लोग वहां पे जुड़े हुए थे, आर्ग्यूमेंट हुआ था क्यों मस्जिद के पास ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट पसी होते ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस तुरंत लाठीचार्ज करके लोगों को हटा गया था, मगर दूसरी ओर लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिया था गणेश मूर्ति विसर्जन के टाइम पे, मगर पुलिस तुरंत एक्ट करके सब लोगों को हटा दिया था और 143 IPS सेक्शन को इम्पोज करके अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सगई नजर बनाकर रखिएगा, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।